गुड मॉर्निंग, आज 27 और लास्ट डे हमारा गैंगटॉक सिक्किम के अंदर, और फिलहाल टाइम हो रहा है 8:20। तो फाइनली अब हम बाय कर रहे हैं गैंगटॉक सिक्किम को, और अभी फ्लाइट है हमारी इवनिंग में 4 PM बागडोगरा से। तो ब्रेकफास्ट अपना हो गया है और अभी टैक्सी अपनी आ गई है, तो निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। आज इतना रिकॉर्ड मैं करूँगा नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं दिखाने के लिए, वही रास्ता वही कुछ। तो रास्ते में फिर रुकते हैं तो दिखाते हैं, वरना फिर निकलते हैं। ब्रेकफास्ट अपना हो गया है, काफ़ी सुंदर जगह थी, काफ़ी अच्छा हमारा ट्रिप था, कोई इश्यू नहीं आया, काफ़ी मज़े किए। तो चलो निकलते हैं फाइनली, गुड बाय। फिलहाल रुके हैं ब्रेक के लिए, टाइम अभी हो रहा है 10:30 और सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं। और क्या हुआ कि इनोवा करवा ली, और इनोवा में पीछे वेंटिलेशन है नहीं, विंडो ओपन होती नहीं है, तो सफोकेशन हो रही है, सिर बिल्कुल दर्द कर रहा है। तो अगले 4 घंटे में लगने वाली है यार, मतलब उल्टिया सा मन हो गया, अजीब सा। और फिलहाल कोई तो जगह नाम याद नहीं है मुझे, तो ये स्ट्रिंग ली है यार, इसको पीते हैं देन फिर चलते हैं आगे। वैसे इंडी वाला एंडीवर वाला दुकान साले के एंडीवर लेकर आ रहा है, चला के छोड़ दिया मैं मिल के प्लेट लग रही भी हो ना आओ दीदी कमरे मैंने प्लेट तो लगाई गई है, मैं दिखावा कर दिया, वो तो अपने लगा ले, तो अपने रखे। बोर्डिंग पास अपने आ गए हैं और चेक इन अपन ने कर लिया है, मतलब आज तो मतलब फटी हुई थी बिल्कुल, क्योंकि तो टाइम था नहीं, 2 घंटे जाम में अटक गए, तो एक बार लगा फ्लाइट मिस हो जाएगी, बट टाइमली पहुंच गए। तो एक बार चेक इन करते हैं ऊपर, सिक्योरिटी चेक इन, और फिर चलते हैं आगे। सिक्योरिटी चेक इन अपना हो गया है और फिलहाल टाइम हो रहा है 3:50। भाई आज मतलब इतना भाग दौड़ में आए हैं ना, क्योंकि बीच में रास्ते में इतना जाम लग गया, तो वहाँ बैठे रहे, देन उसके बाद 4:45 की फ़्लाइट है, तो मतलब बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचे हैं बिल्कुल। तो अभी वेट करते हैं अपना, फ्लाइट उधर आई नहीं है, तो उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पे। ओके, तो फिलहाल अभी वेटिंग रूम में बैठे हैं और फ्लाइट भी अपनी आ चुकी है सामने, इंडिगो है। शायद 7 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, देन दिल्ली के बाद हमारी दिल्ली कैंट से फ़्लाइट है, सो फिर वहाँ से दिल्ली कैंट के लिए कुछ देखेंगे और जयपुर पहुँचेंगे मॉर्निंग 3 बजे आसपास। तो आज का तो पूरा दिन ट्रैवल निकल गया, अभी थोड़ा सोता हूँ यार, उसके बाद फ्लाइट में घुसते हैं, देन फिर दिल्ली उतरते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद फिर सीधा जयपुर। ओके, तो बाय, मिलते हैं आगे।
एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है यार, और 4:24, 4:45 पे डिपार्चर है, तो करते हैं भाई लाइन पूरी, उसके बाद घुसते हैं अंदर। फिलहाल टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं और ट्रेन आने वाली है, शायद सेकंड एसी टिकट है हमारा, तो आज का तो पूरा दिन ट्रेवल में निकल गया। अभी बैग वैग पकड़ते हैं अपना और निकलते हैं, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, मतलब 11 बजे नहीं है अभी, 6:30 हो रहे हैं, दो आधे घंटे हैं हमारे पास, तो डब्बा पीछे पीछे होगा शायद सेकंड एसी का, तो जा रहे हैं और शायद 3 बजे तक हम जयपुर पहुंच जाएंगे। तो मैं तो ऐसा तान के सोने वाला हूँ ट्रेन में चढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने शूज़ मैंने ऑलरेडी उतार दिए हैं अपने और कंफर्टेबल ही हूँ बिल्कुल अभी, तो कल इस ट्रिप का अपना दी एंड हो जाएगा और इस व्लॉग का भी अपना दी एंड हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने के लिए गायब होंगे अपने और देखते हैं जो भी होता है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे वापस कभी, गुड नाइट।